हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज हम बताने वाले हैं कि जो आपकी प्रैक्टिकल जूलॉजी की बायोस्टैटिक्स की जो फाइल बनती है वो किस प्रकार की फाइल आपको बनाना है। ये जो फाइलें होती है दो प्रकार से आप बना सकते हैं उसमें। एक तो आपकी जो ब्लैक फाइल होती है उस प्रकार से आप बना सकते हैं, और दूसरी होती है आपकी जो केमिस्ट्री का रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड बुक होती है, उस प्रकार की एक फाइल बनाई जाती है। तो आपको जो बायोस्टैटिक्स की फाइल है वो किस प्रकार की फाइल में बनाना है, वो आपको बनाना है जो आपका केमिस्ट्री का रिकॉर्ड होता है उस प्रकार की एक फाइल आएगी, उसमें आपको बायोस्टैटिक्स की जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको बनाना है। जूलॉजी बीएससी थर्ड ईयर में बायोस्टैटिक्स है, और इसमें आप पढ़ेंगे जो आपका मीन मोड मीडियन है, जो डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको बताना है, ठीक है, और जो आपके पाई डायग्राम्स है, चार डायग्राम्स है, इनके बारे में, हिस्टोग्राम्स के बारे में आप इसमें लिखेंगे। अगर इससे जो आपकी बायोस्टैटिक्स की फाइल है उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं जो आपका डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसमें इसको लिंक को शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो बायोस्टैटिक्स की आप फाइल बनाएंगे वो ब्लैक कलर की फाइल नहीं बनेगी, इस प्रकार की फाइल नहीं बनेगी। इस प्रकार की जो ब्लैक कलर की फाइल होती है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके स्पेसिमेंस होंगे और जो स्लाइडें होंगी इसको और डिसेक्शन को आपको इसमें बनाना है। इसके अलावा जो आपके एनवायरमेंटल के जो डायग्राम्स होंगे, जो प्रैक्टिकल्स होंगे एनवायरमेंटल के, एल्किलिटी वाला हो गया, ठीक है, मृदा की पीएच हो गया, सोयल पीएच हो गया, बेसिसिटी वाला हो गया, इन सभी को आप जो केमिस्ट्री की फाइल होती है इस प्रकार की फाइल उसमें आप इसको बनाएंगे। तो आपको जो केमिस्ट्री की ये फाइल है इसमें जूलॉजी की बायोस्टैटिक्स और एनवायरमेंटल की जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे वो सभी इसमें आपको बनाने हैं। ओके गाइस, और आप देख लीजिए इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, उस पे आप क्लिक करके गूगल ड्राइव से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जो बायोस्टैटिक्स की फाइल है इसमें आप देखिए मीन मोड मीडियन ये सभी इसमें ही बनाने हैं, और आपको जो ग्राफ्स है उसके में क्या करना है कि आप देखो, जैसे आपने हिस्टोग्राम ले लिया, अब हिस्टोग्राम है तो हिस्टोग्राम में आपको ग्राफ बनाना है इसका, तो आप क्या करोगे, ग्राफ्स तो पीछे आते हैं तो पीछे आप ग्राफ बना लो, फिर उसको यहां से आप अलग कर लोगे, फाड़ लोगे, और आपको जो आपका हिस्टोग्राम है ये यहाँ पे व्हाइट पेज होगा उस पे आपको उस ग्राफ को चिपका देना है। इस प्रकार से जो आपकी फाइल है उसको आपको बनाना है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए सीपी शर्मा क्लासेस को। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।